उनमें एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड, कंट्रोल पैनल, निपल रिंग का सिस्टम, ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन, गोडाउन फीडर, अच्छी क्वालिटी के कर्टन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नोद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के ऊपर। क्या सोलर सिस्टम से हम इसी फार्म को चला सकते हैं? क्या हम जनरेटर को सोलर सिस्टम से स्किप कर सकते हैं? क्या सोलर सिस्टम से हमारा बिजली बिल कम होगा? और हमें कौन सा सोलर सिस्टम खरीदना चाहिए? दोस्तों आज से 2 साल पहले जब हमने यूट्यूब जर्नी की शुरुआत की थी, उस समय हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कम लागत में इक्विपमेंट को बनाना। तो दोस्तों आप सभी लोगों की मदद से हमने कोशिश की और आज लगभग पूरे इंडिया में जो है हम कम लागत में सबसे अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। उनमें एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड, कंट्रोल पैनल, निपल रिंग का सिस्टम, ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन, गोडाउन फीडर, अच्छी क्वालिटी के कर्टन्स, और उनमें सबसे सब में जो महत्वपूर्ण कि मैंने छोटे से छोटे पोल्ट्री फार्मर भाइयों को जो है वो सारी जानकारी देना कि जो एक बड़ी कंपनियां जो है छोटे फार्मरों को नहीं देती थी। दोस्तों उस उद्देश्य में तो हम जो है लगभग सफल हुए और उसका फ़ायदा भी जो है हर एक फार्मर भाई को मिल रहा है। तो दोस्तों आज हम एक नई चीज़ को लेकर हम जो है आपके सामने बात कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम को कम लागत में किस प्रकार से जो है हम इसी फार्म में यूज़ कर सकते हैं और कौन सा सिस्टम हम खरीदेंगे जिससे हमें जो है हमारे दोनों उद्देश्य पूरे हो जाएं। नंबर वन, हमारा बिजली बिल भी कम हो जाए और नंबर दो, हमारा डीजल का खर्चा बच जाए। क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है और जितने भी पोल्ट्री फार्मर भाइयों को मैंने इक्विपमेंट दिया है और दूसरी कंपनी जो फार्मर भाई है जो ईसी फार्मिंग को जो है रन कर रहे हैं, तो उनमें सबसे जब बातचीत हुई तो एक निष्कर्ष ये निकला कि उनमें सबसे ज़्यादा जो लगने वाला खर्चा है वो है बिजली बिल और उसके साथ में है डीजल। तो अगर हम सोलर सिस्टम के ऊपर अगर जाते हैं तो क्या ये दोनों उद्देश्य हमारे पूरे हो सकते हैं? तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा हम समझते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें कौन सा सिस्टम जो है सोलर में खरीदना चाहिए। तो दोस्तों सोलर जो है ऊर्जा का इतना बड़ा भंडार है कि 1 घंटे में सूर्य इतनी ऊर्जा देता है जो पूरी पृथ्वी के ऊपर 3 साल तक जो है काम में लाई जा सकती है। तो सोचो, मतलब हमारे सामने एनर्जी तो बहुत बड़ी है, बस हम उसको जो है हमारे काम के लिए हम किस प्रकार से जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों सोलर मुख्यतः हम 3 प्रकार से यूज़ करते हैं। एक होता है ऑन ग्रिड, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड और तीसरा होता है हाइब्रिड। ठीक है, अब हम तीनों का जो है एक एक उपयोग हमारे इसमें जो है हम देख लेते हैं कि ऑन ग्रिड वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर बिजली बिल बैकअप की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ जो है हमें बिजली बिल कम करना होता है या तो वहीं पे जो है हम ऑन ग्रिड सिस्टम का उपयोग करते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम सीधे जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो जितनी हम सप्लाई बोर्ड से बिजली लेते हैं और हमने जो रिटर्न सप्लाई बोर्ड को जितनी बिजली दी, उन दोनों का जो माइनस करके जो हमें बिजली बिल आता है वो आता है हमें ऑन ग्रिड सिस्टम में। ऑन ग्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि हमें जो है बैकअप नहीं मिलता, क्योंकि इसमें बैटरी होने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो जहाँ पर भी फार्मर भाई को बिजली जो है कम ब्रेकडाउन होता हो, कम समय के लिए जाती हो, वहाँ पे जो है ऑन ग्रिड सिस्टम जो है उपयोग कर सकते हैं। यह थोड़ा सस्ता आता है क्योंकि इसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती और ऑन ग्रिड जो सिस्टम है वह सस्ता आता है, जो इसका इन्वर्टर आता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा समय के लिए बिजली जाती है और बैकअप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम किस प्रकार से काम करता है? ऑफ ग्रिड सिस्टम हमारे ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसका ग्रिड से कोई संबंध नहीं होता। यह जो है सोलर सिस्टम से बिजली जनरेट करता है और हमारे इक्विपमेंट को चलाता है। अगर सनलाइट नहीं होता तो उस समय यह बिजली को प्रिपेयर करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड से बिजली लेता है और हमारे इक्विपमेंट को चलाता है। और अगर सप्लाई बोर्ड से भी बिजली अगर का कटाप अगर है तो उस समय जो है यह हमारे बैटरी का जो हमारे पास में स्टोर जो रहता है उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी लेके हमारे इक्विपमेंट को चलाता है। ठीक है, मतलब कि इसकी तुलना में अगर हम इसी पोल्ट्री फार्म में
ऑफ ग्रिड पे अगर जाते हैं, ऑन ग्रिड की तुलना में ऑफ ग्रिड पे अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे बैकअप भी मिल जाएगा और सनलाइट से जो हमें बिजली भी मिल जाएगी। किंतु इसकी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी समय में अगर हमें लोड की हमारा लोड नहीं चल रहा है, हमारी बैटरियाँ भी फुल चार्ज है, तो इससे जितनी भी बिजली जो जनरेट होगी वो सारी बिजली वेस्टेज जाएगी, क्योंकि हमें जो रिटर्न तो हम ऑन ग्रिड से तो हमारा कोई जुड़ाव सिस्टम है नहीं और हमारा बैटरियाँ भी चार्ज है, हमारे इक्विपमेंट भी नहीं चल रहे, उस समय जो बिजली जनरेट होगी वो हमारी जो वेस्टेज जाएगी। तो अब एक तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे बिजली बिल कम हो सकता है किंतु बैकअप नहीं मिलेगी, यहाँ पे बैकअप मिल जाएगा, सिस्टम भी चल जाएगा, किंतु हमें जो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कम नहीं होगा, जितनी हम जो हमने यूज़ कर लिया उतनी हमारे पास में बिजली कम आई, बचा हुआ जो बिजली वेस्टेज चली गई। तो इन दोनों में जो कमी है, इन कमी को पूरी करने के लिए एक सिस्टम आया, हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का जो है समावेश है। वो कैसे है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑन ग्रिड सिस्टम में हमारा सोलर सिस्टम किससे जुड़ा होता है, ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है, और बैटरियां जो है हमारी ऑफ ग्रिड की तरह कार्य करती है। मतलब कि जब भी सनलाइट होगा तो हमारी सोलर प्लेटें जो है बिजली जनरेट करेगी और वो सप्लाई बोर्ड को देगी, और सप्लाई बोर्ड से जो जितनी भी बिजली जो हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमने दिन में 50 यूनिट जो है बिजली जो है हमने सप्लाई बोर्ड से ली और हमने 25 जो है जनरेट करके सप्लाई बोर्ड को दे दी, तो मतलब हमें जो बिजली बिल कितने का आएगा, सिर्फ 25 यूनिट का बिजली बिल आएगा। तो इससे क्या हुआ, हमारी बिजली बिल भी हमारा बिजली बिल कम हो गया और हमारा जो है सप्लाई बोर्ड से हमें बिजली मिल गई। अब किसी कारणवश सप्लाई बोर्ड से जो है हमें बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास में जो बैटरियां बची हुई है उस बैटरियों से जो है हमें सप्लाई मिलना चालू हो जाएगा। तो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य, इन दोनों की तुलना में अगर फार्मर भाई हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाएंगे, वो कौन सी कंपनी का लें, कितनी कैपेसिटी का लें और कितने VA का जो है इन्वर्टर लें और कितने AH की बैटरी लें, उनके ऊपर जो है हम थोड़ा अलग से बातचीत करेंगे। किंतु अगर हम हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाते हैं तो इससे हमारा दोनों काम हो रहा है, एक तो हमारा बिजली का बिल भी कम हो रहा है और हमें जो है बिजली की का जो है बैकअप भी हमें इस सिस्टम से हमें मिल जाएगा।